रांची, क्या आपको बता दें, अगली खबर जो है, रांची के कई ऐसे लोग हैं जो अब घरों का इंतजार कर रहे हैं कि उनका एक आशियाना अपना हो, और लगातार इसके लिए कोशिशें भी हो रही है। रांची के वार्ड नंबर 19 के करमटोली तालाब के बगल में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलना तय है। इसी परिप्रेक्ष्य में रांची के मेयर आशा लकड़ा, पार्षद रोशनी खलखो ने लाभुकों से बात की। करम टोली तालाब के बगल में काफी लंबे समय से 25 परिवार रहते हैं। नगर निगम की तरफ से इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा। रांची की मेयर आशा लकड़ा और वार्ड नंबर 19 की पार्षद रोशनी इन लोगों के बीच पहुंचकर बातचीत कर रही थी और इन्हें समझाने का प्रयास किया है कि सरकार आवास दे रही है, इसका लाभ उठाएं। लोग रहते हैं तो इन लोग का जब तालाब बन रहा था, उस समय एक विचार आया था कि आपका जैसे झोपड़ी में रहते हैं उससे अच्छा हम घर बना के देंगे। तो घर तो बन गई है और 10 तारीख को हम लोग गृह प्रवेश भी करना चाह रहे हैं। करमटोली तालाब के बगल में इन 25 परिवारों के नाम से जेल रोड के प्रेमनगर में आवास आवंटित है और इन्हें अब जाने में थोड़ा संकोच हो रहा है। हमारे वार्ड से यहाँ जो पहले रहते थे वो ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन कुछ लोगों को चिरौंदी में ऑलरेडी घर मिल चुका है, लेकिन जो पेंडिंग बचे हुए हैं लगभग 20-25 लोग बचे हुए हैं, उन लोगों को प्रेम नगर में जो अभी नया बिल्डिंग बनाया गया है नगर निगम की तरफ से, तो उसमें हम लोग इन लोगों को घर मुहैया करा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को एक स्थायी घर मिलेगा। इसके बावजूद इन परिवारों ने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है कि वहाँ जाना है या नहीं। यदि ये लोग वहां नहीं जाएंगे तो इसके तहत किसी और को यह आवास आवंटित किया जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट।